हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ CNE, जो कि टोरंटो में एक एग्जीबिशन लगती है, हर साल होती है। और बहुत टाइम से मैं इसका वेट कर रहा था, क्योंकि काफ़ी बड़ा इवेंट होता है यहाँ का, और कोविड के बाद अभी पहली बार हो रहा है शायद इस बार। तो मैं आपको जाके दिखाता हूँ क्या क्या वहाँ पे होता है, क्या क्या राइड्स वगैरह होती हैं, स्टॉल्स होते हैं, फूड होता है। तो सब देखेंगे अभी इस वीडियो में, आप बने रहिए। सो फाइनली मैं CNE पहुंच चुका हूं। ये एंट्रेंस है CNE की। तो अगर आप टिकट्स वगैरह लेने हैं आपको, तो आप यहां से ले सकते हो। तो ये है पीछे मेन एंट्रेंस CNE ग्राउंड। अब यहाँ से शुरू होने वाली हैं राइड्स, तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कौन कौन सी राइड्स हैं CNE के अंदर। तो देखते हैं यहाँ पे राइड्स वगैरह।
सो भाई बहुत भीड़ है यहाँ पे, तो राइड्स के लिए पागल हैं लोग, राइड्स और खाने के लिए। सो बहुत ही तगड़ी वाली भीड़ है बाहर। अब अंदर एक और पवेलियन दिखाया मुझे हेरिटेज कोर्ट करके, तो अभी उसमें जाके देखते हैं क्या चीज़ है अंदर। तो ये हेरिटेज से आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह लगा रखे हैं यहाँ पे, और पानी भी है। कुछ खास नहीं था अंदर, वही पवेलियन था, तो वापस बाहर जाते हैं। और अभी एक सामने शो होने वाला है, तो उस शो को देखते हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ एग्ज़िबिशन ग्राउंड के अंदर, जो एग्ज़िबिशन हॉल वगैरह बने हुए हैं उसके अंदर जाके देखते हैं क्या क्या, किस किस चीज़ के स्टॉल्स वगैरह यहाँ लगे हैं। तो अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। इंटेल का पवेलियन है, स्टॉल है, सॉरी इंटेल का स्टॉल है। यहाँ पे सारे गेमर लैपटॉप हैं। छोटी छोटी कार्स हैं, सिंगल सीटर, ये आप यूज़ कर सकते हो कुछ ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में, कुछ कैरी करना है आपको। सो व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस? दे हैवंट इवन स्टार्टेड सेलिंग देम येट, बट दे थिंक व्हेन दे डू बी अबाउट 9000 9000? Of that 9000, yeah. 3000 is the cost of the battery alone. Okay. So if they were to lease the battery at point of sale, yeah, it could come down another $2,500, something. So how much time it takes to charge? So as is, it's about a few hours to charge, but on one charge you get 100 kilometers range. So you could get anywhere you needed to in one day, and you don't have to charge it again, and you just charge it at the end of the day. So and like what's the top speed? So in Toronto, it's going to be limited at a different speed depending on the city, but in Toronto, 32 kilometers an hour. Okay. Okay, nice. Thank you. So ये है gaming garage. यहाँ आप देख सकते हो कितने बड़े लेवल पे गेमिंग का सेटअप है। और ये सब गेम खेल रहे हैं। सो यहाँ पे एक ड्रिंक का स्टॉल दिखा है, तो वो मैं बनवा रहा हूँ यहाँ पर। सो ये ड्रिंक है। ओके, सो फर्स्ट इन्होंने लेमन डाला है इसमें, और नॉट टू मच आइस। ओके, yeah, that's fine. Is this soda? Nope. No? Lemonade solution, not like a fire. No. Okay. No, totally different company and a different flavor. Okay. There you go. Try that. Is that? Not that. Okay. $7 deal. Okay, so I'm... can I pay by card? Yep. Okay. Hold on. Okay. Keep it there until it beeps. You're good. Okay, now. You see? Done? You see? Oh,
Yeah. No, I don't want that. Thank you so much. Okay, you enjoy. Yeah. So ये $7 की है. बढ़िया है, ड्रिंक अच्छी है. अभी यहाँ पे कुछ शॉपिंग के भी स्टॉल्स हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ. बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं कि इतने परसेंट डिस्काउंट. तो देखते हैं कि एक्चुअल में क्या प्राइसिंग वगैरह और कितना डिस्काउंट मिल रहा है सब चीज़ों पे. सो ये देखो आप, $2 की टी शर्ट है यहाँ पर. ये $10 के 4 शॉर्ट्स हैं. ओके, $20 की 4 टी शर्ट हैं और नॉर्मल पोलो टी शर्ट्स हैं. ये है आपकी वर्किंग वाली जैकेट्स, $2 for $20. फिर ये गर्ल्स के लिए पजामे, ये भी आपके 4 $20 के. गर्ल्स का और सस्ता है, 3 $10 के अंदर. ये गर्ल्स के शॉर्ट्स वगैरह हैं सारे. ये $10 के 4 टॉप और ये थोड़ा ये जैकेट वगैरह भी है. ये देखो भाई, $20 की 3 जैकेट हैं. तो बहुत वैरायटी है, बहुत है. ये है इंटरनेशनल पवेलियन में स्टोर है, वेयर हाउस आउटलेट के नाम से. तो ये चश्मों का कलेक्शन है, सनग्लासेस $10, कोई से भी चश्मे लो, $10 के हैं. जैसे कि ये बढ़िया लग रहा है, बहुत लाइट वेट है. सारे हैट हैं $15 भाई. सब देखो कितने सारे कैप्स हैं. ये देखो भाई, भाई सब खत्म ही नहीं हो रहा कैप. अभी सामने भी हैं. सो भाई बहुत तगड़ा कलेक्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं. अगर आप तसल्ली से आओगे तो बड़ी अच्छी अच्छी डील्स मिल रही हैं यहाँ पर. $10 में टी शर्ट हैं. अभी जो मैंने पहले स्टॉल दिखाया था उसमें तो $10 में आपको 3 टी शर्ट मिल रही थी, और यहाँ पे $10 में आपको फुटबॉल जर्सी वगैरह मिल रही हैं, जो कि अराउंड 60-70-80 डॉलर की होती हैं. और $30 में आपको NFL की जर्सीज वगैरह हैं. ये देखो प्रॉपर NFL लिखा है अंदर. और ये $10 की टी शर्ट्स हैं, देखो पूरी NFL की टी शर्ट्स वगैरह हैं सारी, सब टीम्स की हैं. ये देखो, एक तो ये मैं वॉलमार्ट का थैला बैग में डालता हूँ, ये बहुत परेशान कर रहा है. सो ये स्टॉल है, यहाँ पे $10 की सेल है. यहाँ पे आपका शॉल्स वगैरह हैं, ये शॉल हैं सारी $10 के अंदर. फिर ये कैप है, बहुत ही बढ़िया. ये देखो भाई प्रॉपर बहुत ही वार्म कैप लग रहा है. ये भी $10 का है, जो कि अच्छा प्राइस है. इसमें अलग अलग कलर्स हैं, ब्लैक भी है. और ये ग्लव्स हैं भाई सब, ये भी $10 की हैं ग्लव्स. भाई अंदर फ्लीस देखो, कितनी प्रॉपर फ्लीस है, तो गर्म होंगे बहुत. फिर ये अपने ब्लैंकेट हैं, ये भी $10 के हैं ब्लैंकेट सारे. मगर ये सारा गर्ल्स का मामला है सब. अभी मैं बॉयज़ का ढूंढता हूँ, जो बड़ी बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट है. ओनली $10. ये देखो, ऐसा आप उसको जो स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हो आप इनको. और ये लेगिंग्स भी अवेलेबल हैं $10 के अंदर. ये सारा लेगिंग्स का स्टॉक है, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सामने तक, सारा ये लेगिंग्स का स्टॉक है. सो भाई बहुत ही बड़े बड़े स्टॉल लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छा कलेक्शन है यहाँ पर. अभी मैं आपको लेके जाता हूँ रीबॉक के अंदर. यहाँ चल रहे हैं बहुत सारे ऑफर्स, जैसे कि बाय 4 get 1 है. स्नीकर्स वगैरह अराउंड $50 में है ये सारे.
शू गर्ल्स के लेगिंग्स वगैरह सब $20 में रिबॉक के हैं। सब काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है। ये वुमेंस शूज़ हैं यहाँ पर, और ये सारी रैक्स जैसे कि सैंडल्स वगैरह, ये कितना था, $25 की हैं। ये फ्लिप फ्लॉप सारे $15 के हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे $5 में रिंग्स अवेलेबल हैं, तो मैं आपको रिंग्स दिखाता हूँ और बाकी चीज़ें भी। ये सारी ज्वेलरी $5 में अवेलेबल हैं। ये पेंडेंट्स, बैंगल्स वगैरह, और ये हैं अल्फाबेट्स के पेंडेंट, वाई डी एफ, अगर कोई मेरे नाम का लेना चाहता है तो। और ये नेम्स वाले भी हैं, जो कॉमन नेम होता है उनके नेम के भी पेंडेंट्स हैं। यहाँ पे विंटर जैकेट्स वगैरह भी हैं। ये है $50 to $90 के अंदर हैं, और मगर ये लेडीज़ हैं। मैं जेंट्स की देखता हूँ। लेडीज़ की है $50 में पूरे। ये कोट टाइप जैकेट्स हैं, और फर वाली भी हैं। ये सब $50 to $90 के अंदर हैं, और साइज़ 3XL तक साइज़ अवेलेबल है लेडीज़ के लिए। मैं आ रही हूँ 2 मिनट में। सो अभी और आगे चलते हैं इंटरनेशनल पवेलियन में। बहुत बड़ा पवेलियन है, आगे दिखाते हैं और कौन कौन से स्टॉल्स हैं। सो अभी मैंने आपको टेक दिखा दिया, और जो गारमेंट्स की शॉपिंग वगैरह थी वो दिखा दी। तो अभी अगला और आगे देखते हैं, और हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह के भी स्टॉल हैं, वो देखते हैं क्या क्या है। अभी मैं आ गया हूँ हैंडीक्राफ्ट के स्टॉल इंडियन पवेलियन के अंदर। अब मैं आ गया हूँ इंटरनेशनल पवेलियन में। से पहला स्टॉल है काउबॉय और जैकेट्स वगैरह से रिलेटेड सब कुछ है यहाँ पर। सो ये है इंडिया का स्टॉल है, यहाँ पे एक दिखा मुझे, यहाँ पे इंडिया की पूरी ज्वेलरी वगैरह बेच रहे हैं। सो ये $10 के अंदर हैं ज्वेलरी, और ये है आपके बैंगल्स, एक इंडिया का स्टॉल है। यहाँ पर एक डिज़ाइनर साड़ीज़ वगैरह हैं कनाडा में प्रॉपर, इनका वेबसाइट वगैरह, ये बात करते हैं इनसे। हेलो मैम, कैसी हैं आप? मैं और क्या सेल कर रही हैं आप? ये देखिए हमारा न्यू फैशन है। ओके, मेरे डॉटर इमरा का है ये। ओके, एंड वी जस्ट बेसिकली इन द रेडीमेड साड़ीज। ओके, हमारा विजन है कि जब हमने इन लोगों का अपना ड्रेस पहना है तो इनको भी अपना ड्रेस पहना है। सही बात, सबके वार्डरोब में एक एक साड़ी तो होनी चाहिए। सही बात, इतना इजी वे है कि जस्ट एक मक्का का गाँव साड़ी तैयार। तो One minute you can wear the saree. Okay. Exactly within 1 minute. और जो इसमें ये ब्लाउज है, इसका ब्लाउज इज़ रेडी ब्लाउज। तो साइज इशू हुआ तो कुछ नहीं होता है, स्पेस रहता है अंदर भी बहुत, मतलब अल्टरेशन कर सकता है, अल्टरेशन कर सकते हैं। एंड डिजाइन आर वेरी ब्यूटीफुल डिजाइन दिया है हमें। यू कैन सी द डिजाइन
citizen, the blouse is citizen. If we go and ask anybody, the blouse itself will charge outside $80-$90. Yeah. Which full sari we are selling in 110. 110? 110, 150. We have 85 rupees onward sari. Okay, that's nice. So look at the beauty of the service. That's good. And nice sarees are there. You can see on the mannequin also. साड़ी का लुक कुछ ऐसा आएगा जैसे ये साड़ी लगी हुई है और यहाँ पे भी ये साड़ी देख सकते हैं। ओके बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए आपको सक्सेस हो जाए यहाँ पे और खूब सारे ऑर्डर आए। थैंक यू। ठीक है। वियतनाम का स्टॉल। सो दीज आर प्लेट्स। ओके So these are handmade or handmade? Okay. So what is the material of this? Okay. Is it breakable? Is it breakable or unbreakable? No, I'm telling you, it's fashion. Okay. Drop. Okay. Okay. It's sturdy. Okay. Like the bamboo case. Okay. So it's a tray, right? So we can store like fruits and everything on this. Okay. And what about those? Those are bags. Yeah, I will just post it on YouTube. Yeah. So these are jute bags? Bag and ghetto bag made from cotton. Okay. And what about this? Cotton as well. This is basket? Yes, cotton. Okay. Nice. The fruit basket is unique. Only me. Which one? The fruit basket. Yeah, it's good. So ye hai fruit basket. But it can store only two fruits. No, it can store a lot. Okay. But it's just like for display, that's why. Okay. So there are different colors in this. And these are earrings? These are also handmade? Yes. Everything from Vietnam. So what's the price of this one? $40? Okay. And do you export or you have a store here? I have export from Vietnam. Okay. I'm based in Toronto. Okay, where in Toronto? Dufferin and Finch. Do you have a card? Yes. Hindi aati hai na aapko? Okay. Ye meditation ball hai na? Yes. Kaise kaam karta hai ye? Mata hai ka kam. Bas aise isko? Okay. Kaisa bol rahe hai? Kaisa? ओके सो हमें मतलब इसको जब ये साउंड आता है तो हमें मतलब वो फील करना है साउंड ही है ना वो लाइक यहाँ पे बहुत शोर है इसलिए नहीं ऊपर ओके सो इसका प्राइस कितना है 45 65. Okay, thank you. अच्छा सो ये है सॉल्ट हिमालयन सॉल्ट के लैम्प हैं ये और तो इसका मतलब क्या फ़ायदा है नॉर्मल लैम्प में और सॉल्ट के लैम्प में ये है कि ये सबसे पहले आपके रूम को बड़ा खूबसूरत बना देता है ये लैम्प है आपके घर में एक छोटा पहाड़ का टुकड़ा रखे हुआ है जो अंदर से जल रहा है ये जो है ना इसमें आप जितनी लाइट चाहे उतनी आप वो कर सकते डिमर है तो जब आप ये बेडरूम में लगाते हैं तो आपकी बेडरूम की खूबसूरती बढ़ जाती है इसके तो बड़े सारे फ़ायदे हैं ये नेचुरल है क्योंकि इससे जो निकलते यहाँ तो हम एक दो ऐसा खा लिया आपको ओके लोगों को क्या फिर पूछते बोल के हम लगा दिए ना ओके हाँ नहीं मेरा भी यही सवाल आया कि नेचुरली बेनिफिट्स बहुत है इसमें ओके तो ये सॉल्ट वगैरह मतलब ऐसी रहेगी हमेशा वैसी रहेगी कुछ इसमें जैसे नमी आ जाती है कुछ उससे हाँ तो वो कब आती है बोले हाँ। आपके घर में अगर आप ज़्यादा हॉट कर दिए अपने लोग है ना इंडिया पाकिस्तान हाँ बड़ा सर्दी हो गई तो पूरा फुल वो हीटर चला दिया तो फिर वो थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाएगा ओके ठंडे में आप जितना रखो मर्जी कोई वो नहीं वो तो फिर फ्रीज हो जाएगा है ना वो तो कुछ नहीं तो ये है कला माता लिमिटेड यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ बकलावास मिलते हैं
सो अभी एक बकलावा ट्राई करते हैं इनमें से कोई से. विच वन इज बेटर अमंग दीज टू? ओके सो आई विल ट्राई. या ओके थैंक यू सो मच. या सो ये बकलावा ट्राई करते हैं कैसा है और इसका फीडबैक देते हैं. बढ़िया है, बहुत बढ़िया है. काफ़ी टर्की में खाया था एक बकलावा, अच्छा था. उसके बाद ये सही है. जो बाकी जो स्टोर्स पर रखे हुए बकलावा होते हैं वो बड़े बेकार होते हैं, ये काफ़ी अच्छा है. सो दीज आर पजल्स? यह पजल्स. ओके से फिर फूड स्टॉल स्टार्ट हो रहे हैं. सो भी आपको दिखाता हूँ कौन कौन से स्टॉल्स हैं यहाँ पे धीरे धीरे. तो शुरू करते हैं. ये क्या है? केचप आइसक्रीम. कैन आई ट्राई एज वेल? इज इट मेड अप ऑफ केचप? टोमेटो केचप? व्हाई इट्स कॉल्ड आइसक्रीम? बिकॉज़ दे हैव द इट्स केचप इनसाइड सम वनीला. सो इट्स लाइक केचप मिक्स इन वनीला. ओके थैंक्स. यहाँ की नेशनल डिश पुटीन है. कुछ फ्रेश जूसेस. नो सॉरी, ये कलोज के लिए. जस्ट मेकिंग अ वीडियो. ये देखो नींबू पानी का स्टॉल, उन्होंने नींबू के अंदर ही बैठ गए. सो ये है स्काई राइड, इससे आपको पूरा सीएनई का व्यू दिखेगा. सो इसका टिकट आपको सामने से लेना है और जब आप टिकट ले लोगे तो फिर यहाँ से आप इसमें बैठो और फिर आप पूरा इसका सीएनई का व्यू लो वहाँ से. सो यहाँ पर है वॉलमार्ट का स्टॉल. क्या कर रहे हैं? Hi, how are you? What are you doing? What are you doing? Just your email and your full name. Okay. And we give you a bag of Walmart with some coupons and some goodies from Walmart. Okay. So I have to just write my email. Yeah. And your full name. ओके इधर वॉलमार्ट के स्टोर पे आपको बस साइन इन वगैरह करना था, अपनी ईमेल डालनी थी. तो फिर उन्होंने कुछ ये डिस्काउंट कूपन्स और कुछ फ्रीबीज वगैरह दिए हैं वॉलमार्ट की तरफ से.
तो यहाँ पे एक बार्गेन स्टोर अवेलेबल है जिसमें आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं चीप प्राइस में. ये ट्राईपॉड अवेलेबल है कैमरे के लिए, गिम्बल सॉरी. तो इस पे देखते हैं अगर इस पे ये इंस्टा 360 लगता है या नहीं. सो यहाँ पे गेम्स वगैरह भी हैं. पंजाबी फूड ट्रक, यहाँ है बटर चिकन, लोडेड फ्राइज, समोसे वगैरह. सो भाई सारा सीएनई घूम लिया और अच्छा इवेंट था, बढ़िया था. कुछ बचा नहीं था, रिपीट हो रहा था सब, तो मैं बाहर निकल गया. अब सोचा थोड़ा बहुत अभी टाइम बचा है, टोरंटो घूम लेते हैं थोड़ा सा. देखता हूँ शायद वॉक करके जा सकते हैं तो सीएन टावर देखते हूँ, आस पास की स्ट्रीट वगैरह दिखाते हैं. Can I go to CN Tower by walk? Is it close? No? Not really. Okay. यहाँ की ट्राम की तरह है, छोटी सी ट्रेन है, तो ये CNE तक मुझे लेके जाएगी. तो अभी मैं फिलहाल इसमें बैठ गया और तो नेक्स्ट स्टॉप पर CNE पे उतरते हैं, CN Tower पे सॉरी, और फिर देखते हैं. फाइनली मैं टोरंटो पहुंच गया हूं और यहां का बस सिस्टम तो है नहीं, तो थोड़ा सा ट्राम कंफ्यूजिंग है. अभी मैं आगे उतर गया हूं, अब मैं दोबारा से किसी से मैंने पूछा है, अब वापस मुझे पीछे जाना पड़ेगा. तो लेते हैं दोबारा से ट्राम और फिर जाते हैं डाउनटाउन. Queen Street, this side. Okay. Okay. Thank you.
भाई टाटा की TCS की बिल्डिंग दिखी है अभी यहाँ पर, बिल्कुल मेन लोकेशन पे है यहाँ पे टाटा TCS। सो काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ सबका आपने फोटो देखा होगा। यह है तो ये रहा, सो भाई ये देखो सामने है KPMG की बिल्डिंग, फिर EY BMO की बिल्डिंग, और उधर है TCS की बिल्डिंग, यहाँ से भी दिख रही है टाटा कंसल्टेंट। सो बहुत ही बढ़िया लोकेशन से लग रही है, खाली खाली है अभी, क्राउड नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो अब जल्दी से ना कुछ फ़ोटो क्लिक करा लेते हैं कभी अंधेरा हो जाए। आज पूरे दिन रैंडम लोगों से, स्ट्रेंजर्स से बोल बोल के फ़ोटो क्लिक कराएं, एक बार और बोलता हूँ फ़ोटो क्लिक कर लो भाई। सो भाई एक पाजी को पकड़ के उनसे फ़ोटो क्लिक करा लिया, अभी इंस्टा पे डालेंगे, और अच्छा फ़ोटो क्लिक कर दिया उन्होंने। वैसे लो लाइट हो गई मगर फिर भी सही आया है, काम चला हुआ है। घूम लिया है पूरा CNE और ट्रोनो भी देख लिया आज हल्का हल्का सा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जो कमी रह गई वो मुझे बताइए, वो नेक्स्ट वीडियो में पूरी करेंगे। तो फ़िलहाल इतना ही, अब हो गई है रात, सो बस अब घर चलते हैं। घर जाने में भी अराउंड 2.5 घंटे लगेंगे, तो बस ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।